वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट देखा था। अभी तक हमने जितना भी जावा डेटाबेस की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हमने देखा कि डेटाबेस किस तरह क्रिएट करते हैं ज़ैम्प सर्वर के अंदर, और फिर डेटाबेस से डेटा किस तरह प्रोग्राम में लेके आते हैं, फिर डेटाबेस में डेटा स्टोर किस तरह करना है, अपडेट किस तरह करना है, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट के साथ किस तरह डेटा इंसर्ट करना है उसके अंदर डेटाबेस के अंदर। इसके अलावा SQL लैंग्वेज की और भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं जो कि अब यहाँ पे डिस्कस नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ये जावा लैंग्वेज में हम डेटाबेस का पार्ट पढ़ रहे हैं। वो सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो SQL लैंग्वेज की हैं, और SQL एक पूरी लैंग्वेज है, तो अगर हम वो सारी डिस्कस करते तो फिर इतना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए एक वेबसाइट है w3schools.com, आप इसको विज़िट करें और यहाँ पर आपको SQL लैंग्वेज के पूरे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। पूरी SQL लैंग्वेज की जो ट्यूटोरियल्स की लिस्ट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप इन स्टेटमेंट्स को सीखें और डिफरेंट जब हम कंडीशन आप बनाएंगे तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब जो हम पढ़ रहे हैं, हम जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे या जितना हमने कवर कर लिया है, वो तकरीबन हमारा जो काम है वो तो उसमें सारा हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अलावा आपको कोई और कंडीशन यूज़ करनी पड़े डेटाबेस के हवाले से, तो आपको ये हेल्पफुल होंगे। आप इस ट्यूटोरियल को भी साथ साथ देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।